हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो आज की डेट में आ चुकी है। ओके, दोनों के दोनों सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टॉक्स है और गजब की यहाँ पर गिरावट हो चुकी है और गजब के रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। अगर यहाँ पर आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं बाय ऑन डिप्स में, बेहतरीन रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के व्यू के बारे में, मार्केट के व्यू के बारे में, मार्केट क्या करने जा रही है, मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट कितनी गिरेगी उससे रिलेटेड। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, चाहूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट एज वेल एज ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें फौरन तौर पर आपको वीडियो मिले। और ये पर्टिकुलर नंबर दे रखा है, अगर आप हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं इस नंबर को आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, एज वेल एज अगर आप को वीडियो अच्छी लगे तो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, क्योंकि जितना सपोर्ट करेंगे उतनी बेहतरीन वीडियो आपके सामने और जितनी ज़्यादा क्वेरीज हमें आपके लिए सॉल्व कर पाएंगे उससे हमें हमें खुशी होगी। तो आइए आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कुछ आपको फैक्ट्स दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर है ये इंडिया विक्स। ओके, इंडिया विक्स का यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज लगभग लगभग 20% 21% ये भागता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बेहतरीन सपोर्ट पे यहाँ पर एक रुकता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था उसी को यहाँ पर लेके ये रुकता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी रुका था इससे पहले। ओके, उसी सपोर्ट को यहाँ पर लेके यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो याद रखिएगा खतरे की घंटी है और ऊपर ही हमारी ये मार्केट है और ज्यादा गिर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये कप बनाता हुआ नजर आ रहा है। ओके, और कप बनाने के बाद ही हैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जिसके हिसाब से इसके टारगेट क्या नजर आ रहे हैं, इसका टारगेट नजर आ रहे हैं ऊपर की तरफ। ओके, बट बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि ये अगर टारगेट आ रहा है तो ये अभी अचीव हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पर ये अचीव होता हुआ नजर आ रहा है सूनर और लेटर। अगर यहाँ पर देखें तो जो इसका प्रीवियस हाई था उससे थोड़ा सा नीचे लगभग 63 के यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ये इतनी ईजी नहीं है ओके कि इतने इजीली ये ऊपर चले जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर मायने रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर फेड की मीटिंग होने वाली है। ओके, कल परसों में ये वो फेड की मीटिंग एक यहाँ पर मेन चीज यहाँ पर रोल प्ले करेगी। एज वेल एज अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 1 तारीख को बजट भी आने वाला है इंडिया का। ओके, जो 1 फेब को यहाँ पर बजट आएगा उसके बाद भी चीज़ें यहाँ पर एनुअल बजट में यहाँ पर चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी, यहाँ पर पता चलती हुई दिखाई देंगी एग्जैक्टली होना क्या है। उसके बाद चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होगी और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिए। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर हम यहाँ पर देखते हैं, निफ्टी 50 आज के दिन में यहाँ पर निफ्टी 50 कितना गिरता हुआ दिखाई दिया है। आज के दिन में यहाँ पर निफ्टी 50 गिरता हुआ दिखाई दिया है 468 पॉइंट, और ज्यादा गिर गया था। उसके बाद चीजें यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दी। हाई की बात लो की बात करें 16,997 ये नीचे आ गया था, लगभग 17,000 यहाँ पर इसने टच कर दिया था। उसके बाद चीजें ऊपर गई, बट वो ऊपर गई या नहीं गई, बट हमारे स्टॉक्स यहाँ पर नीचे आ गए थे और अच्छे खासे यहाँ पर जो हमने यहाँ पर रैली में पैसे कमाए थे वो हम यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दे चुके हैं। ओके, नो लॉस नो प्रॉफिट ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, बट कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, करना क्या है क्या नहीं करना उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे और जानेंगे। देखिए जब लास्ट टाइम यहाँ पर वीडियो बनाई थी आपको यहाँ पर एक सपोर्ट बताया था कि ये बेहतरीन सपोर्ट है, अगर ये यहाँ पर टूटता है जो कि यहाँ पर टूटता हुआ नजर भी आ रहा था, तो याद रखिए ये एक अच्छी खासी गिरावट होती हुई नजर आएगी और वही गिरावट आज की डेट में यहाँ पर होती हुई नजर आई है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये मार्केट यहाँ पर ये जो सपोर्ट दिख रहा है ओके इस ये सपोर्ट लेती हुई नजर आई है और उसके बाद थोड़ी सी ऊपर जाती हुई नजर आई है। बट यहाँ पर अभी भ्रम मत रखिएगा कि ये चीजें अभी हो चुकी है अब ऊपर जाएगी, क्योंकि काफी लोग बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मार्केट में जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एक अच्छी खासी गिरावट जो होती हुई नजर आ रही है वो यहाँ पर हो सकती है। मेन सपोर्ट नजर आता है 16,442 रुपए का, यहाँ से चीजें रिवर्स हो सकती है, बट थोड़ी सी और गिरावट होती हुई नजर आ रही है जो कि मार्केट को यहाँ पर 16,896 या 16,900 लगभग लगभग 200-250 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर और नजर आती है। यहाँ पर 200-250 गिरावट यहाँ पर जब होगी इसके बाद चीजें ऊपर निकलती हुई नजर आएगी। बट एट द एंड जो आपने स्टॉक्स ले रखे अगर आपने यहाँ पर गिरावट में नहीं बेचे
ओके, तो वो यहाँ पर भागते हुए नजर आएंगे, और वो भागते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर जो कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है उसके हिसाब से टारगेट क्या नजर आ रहे हैं, 20,000। तो मार्केट इस बार जब भागेगी तो 20,000 रुपए, 20,000 के लेवल को यहाँ पर टच करती हुई नजर आएगी। सेम मैंने आपको निफ्टी स्मॉल कैप में भी बताया था कि निफ्टी स्मॉल कैप में ऐसा ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, बट जब सारी मार्केट गिरती है तो ऐसा कुछ नहीं है कि सारी रिकवर होती हुई नजर आती है। तो ये मार्केट भी देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी कैंडल बनती है, ओके, जब भी ऐसा हैमर बनता है तो चीजें ऊपर जाती हुई नजर आती है, बट अपोजिट बन जाता है तो यहाँ पर नीचे नजर आती है। अगले दिन अपोजिट बन गया तो वो चीजें नीचे नजर आई। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ही मैंने आपको बता दिया था कि एक अच्छी खासी गिरावट अगर हुई तो यहाँ पर सपोर्ट यहीं पर का ही नजर आता है नीचे के लेवल का, क्योंकि इतनी जल्दी वो स्टॉक को छोड़ते नहीं है। जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो चीजें ऑपरेटर होते हैं, उन्हें फिर चीजें बेचनी होती है, वो बेचते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, और तब तक प्रॉफिट बुक करते हैं जब तक आपको दिखे ना। आज के दिन में लोगों के इतने प्रॉफिट स्टॉप लॉस सेट हुए होंगे, एज वेल एज नीचे आ गया था, हो गया मार्केट, कि लोग घबरा गए होंगे, ओके, और उस घबराहट में लोगों ने अपनी चीजें बेच दी होंगी। बट ऐसा बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छी चीज है, आपको अपनी चीजों पर विश्वास है, ओके, क्योंकि ऐसी गिरावट यहाँ भी हुई थी, तब भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया और नीचे आएगी, बट उसके बाद जो रैली हुई थी वो कुछ दिनों के अंदर अंदर ही यहाँ पर दिसंबर दिसंबर में ही पूरी हो गई और अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने गिरावट हो सकती है, तो ऑलरेडी आज के दिन भी अच्छी खासी कितने पर 550 पॉइंट से गिरता हुआ नजर आया है। और सपोर्ट की बात करें एक तो सपोर्ट यही है जो यहाँ पर सामने नजर आ रहा है, बट यहाँ पर मेरे को एज सच इतना बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर नजर नहीं आता, ओके। मुझे बेहतरीन एक एक सपोर्ट तो यहाँ पर नजर आता है 10,715, पर सर लास्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 10,400 के आसपास का जो सपोर्ट है ना, ये ज्यादा बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है, जो कि हमारे 400 पॉइंट के नीचे और है। और इसके अलावा RSI भी दो निफ्टी 50 एज वेल एज स्मॉल कैप 100 में भी यही दिखाई देती है कि थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, एज वेल एज इंडिया विक्स भी इसी तरीके से दिखा रहा है कि ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ब्रेकआउट हुआ तो वो थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेकआउट होकर फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पर चीजें इसी तरीके से दिखाई दे रही है कि एक आध दिन की गिरावट, जो कि हमारे मार्केट कल ओपन है, ओके, पर कल एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर शायद कुछ ना कुछ यहाँ पर अलग हो सकता है। कल एक्सपायरी नहीं है, सॉरी, थर्सडे को ही एक्सपायरी है, ओके, यहाँ पर बस 26 तारीख को यहाँ पर छुट्टी छुट्टी है, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। मिड कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिड कैप देख सकते हैं आप, एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट हो चुकी है, ओके, सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है, ओके, बट गिरावट अगर हो रही है, सब में गिरावट हो रही है, तो इसमें भी गिरावट होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो चीजें यहाँ पर भी नीचे आ सकती है। और यहाँ पर जो जब चीजें नीचे आई तो यहाँ पर ये सपोर्ट नजर आता है जो इसका लास्ट टाइम दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर ही, यहाँ पर आप देखिए ये इसका यहाँ पर नीचे सपोर्ट, एज वेल एज यहाँ पर भी इसने एक बार रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर ऊपर गई थी चीजें, तो यहाँ पर नीचे जाके फिर ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कंसोलिडेशन है, याद रखिएगा, ये फुल ऑन कंसोलिडेशन पे चल रही है। इसके बाद जब चीजें निकलेगी तो जो हमारा टारगेट दिखाई दे रहा था, जो यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न कर लीजिए या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कर लीजिए, इसके हिसाब से जो टारगेट आ रहे हैं 36,000 के आ रहे थे, तो उसी तरीके से चीजें भागती हुई भी दिखाई देंगी। अब बात कर लेते हैं कुछ इंडेक्सेस की, तो यहाँ पर इंडेक्स में भी हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक यहाँ पर देख लीजिए नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छे खासे सपोर्ट पे यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट मार्केट गिरेगी तो ऑब्वियस सी बात है कोई चीज यहाँ पर नहीं रुकने वाली। बेहतरीन सपोर्ट 34,200 के आसपास का ही नजर आता है, जो कि ये है, ओके, बट यहाँ पर अगर चीजें रुक जाती है, संभल जाती है, ओके, और ये जो अब आज का लेवल है जो नीचे आया था 36,442, इसको अगर यहाँ पर क्रॉस करती है, नीचे आती है, तो फिर सबसे फिर मेन 35,000 बनेगा और उसके बाद 34,000 बनेगा, थोड़ी बहुत गिरावट के लिए। और जब इतनी गिरावट देखी है तो थोड़ी बहुत गिरावट के लिए और तैयार रह जाइए। सेम IT में भी होता हुआ नजर आ रहा है, बट IT में कुछ चीजें अच्छी नजर आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही इसने बार बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, उसके बाद चीजें ऊपर गई है, अगेन आज यहाँ पर आ गया, थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ रही है, थोड़ी बहुत इन द सेंस यहाँ पर अगर हम बात करें 34,000 के लेवल तक, मतलब 800 पॉइंट की और एक गिरावट नजर आ रही है, 800 पॉइंट की गिरावट होगी तो यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, बट यहाँ पर बहुत बेहतरीन RSI पे चीजें आती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ से चीजें IT बेहतरीन नजर आता है। सबसे बेहतरीन
इंडेक्स अभी मुझे जो नजर आ रहा है वो केवल आईटी नजर आ रहा है, क्योंकि आईटी में जितने भी स्टॉक्स है वो गिरते हुए नजर आए हैं। तो अगला वीडियो आएगा इसी के रिलेटेड आएगा, तो वहां पर उस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स है आईटी के एक रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। निफ्टी मेटल की बात करें, सेम निफ्टी मेटल में भी सेम एक सपोर्ट नजर आ रहा है नीचे के लेवल का, 100-200 पॉइंट की और गिरावट हो सकती है, बट उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन नजर आता है यहाँ पर देखिए मई से अभी तक, और इसके बाद चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा और भी चीजें की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर निफ्टी हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं। हेल्थ केयर यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दिया है, तो चीजें और ज्यादा यहाँ पर नीचे शायद यहाँ पर आ सकती है, तो निफ्टी हेल्थ केयर की तरफ भी ध्यान दीजिए, ये चीजें नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। फार्मा की बात करें, फार्मा भी यहाँ पर एक सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है, बट अगर ये गिरता हुआ नजर आता है और गिरता है तो याद रखिए ये फिर एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, जो इसे शायद यहाँ पर के लेवल तक 11,947 लगभग 1,000 पॉइंट की और गिरावट हो सकती है इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए कर्व बनाती हुई नजर आ रही है, तो फार्मा में एक सी पर गिरावट नजर आ सकती है। फार्मा एक यहाँ पर राउंडिंग अप बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चीजें यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एनर्जी की बात करें, एनर्जी सेक्टर में एज सच कोई यहाँ पर गिरावट नहीं है, ओके। एनर्जी सेक्टर शायद यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और यहाँ पर या फिर और भी नीचे आ सकता है, और कब भी हैंडल पैटर्न बना के यहाँ पर जाएगा, तो बेहतरीन स्टॉक्स 2-3 ही है, उसकी तरफ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर इंडेक्सेस थे, ओके, यहाँ पर उन पर्टिकुलर इंडेक्सेस पे यहाँ पर नजरें बना के रखिए। चीजें यहाँ पर थोड़ी सी अब इतना गिरावट आपने देख ली है, तो एज सच आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। एफएमसीजी भी एक बेहतरीन सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है, एफएमसीजी में एज सच कोई गिरावट यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, एफएमसीजी ऊपर जाती हुई नजर आएगी यहाँ से। तो यहाँ पर चीजों एफएमसीजी अच्छा यहाँ पर नजर आता है, यहाँ पर आईटी अच्छा नजर आता है, यहाँ पर मेटल अच्छा नजर आता है, तो ये पर्टिकुलर इंडेक्सेस की तरफ ध्यान दीजिए। बैंकिंग तो सदाबहार ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, ओके। और जो गिरावट हो चुकी है जिसने अगर इन पर्टिकुलर मोमेंट को जो यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है, गिरावट जो होती हुई दिखाई दे रही है, इसे अगर किसी ने टॉलरेट कर लिया मार्केट में वही पैसा बनाता है। तो पेशेंस एज वेल एज ये सारी की सारी हैबिट कि मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पर मार्केट को देखना बेचना बंद कर दे अपने स्टॉक्स को, उसके बाद जब एक जंप आएगी, ओके, उस जंप में आपको जो फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा कि चीजें ऊपर जाएगी, आपका पैसा यहाँ पर जब चीज जाएगी तो आपका पैसा यहाँ तक पूरा जो अभी तक लॉस हुआ है वो पूरा भर जाएगा, और उसके बाद जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो अब दिखाई दे रहा है इतना पॉइंट का, तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा, और उसके बाद यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, ताकि जब नीचे आए चीजें तो फिर दोबारा आप खरीदें। तो यहाँ पर चीजें अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। ये पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विस चाहिए, बेहतरीन स्टॉक्स चाहिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।